News 18, India. प्रतीक जी खो खो खेला आपने? खो खो खेला है मैंने, बहुत खेला बचपन में, खो खो खेला अपनी बहन के साथ, टीम में रहता था। राजनीति गलियारे में सबसे अच्छे खो खो के प्लेयर हैं अरविंद केजरीवाल। खो करो भागो, खो करो भागो, ऐसे खो खो करते हुए खो ही जाएंगे राजनीति से, ये पक्की बात है। खो करो, आरोप लगाओ नितिन गडकरी जी पर, फिर बाद में अपने को माफीनामा मांगो। खो करो अरुण जेटली पे आरोप लगाओ, फिर मांगो। आज आपने आरोप लगाया कि आपके विधायक करोड़ों रुपए में खेले गए हैं। आप दुनिया भर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एविडेंस ही दिखा दो। अरे एविडेंस कहाँ दिखाएंगे, पहले भागो भाग तो खेल ले, पहले खो खो तो खेल ले, केवल आरोप प्रति आरोप को। प्रतीक भाई मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो हिमाचल से आए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। देखिए यही हमारे हिंदुस्तान लोकतंत्र की खूबसूरती है, सहमति असहमति एक हमारी यही खूबसूरती है। लेकिन मैं मोदी जी नहीं हूँ माता जी, चाची जी, मैं बिल्कुल भी मोदी जी नहीं हूँ कि जो हमके खिलाफ जाए, जो हमसे असहमति न जाए। प्रतीक भाई आप भी परिवार में रहते हैं, अभी आपने बोला कि बेटा असहमति होता था, वो उसको लाइक नहीं करता था, यही तो हमारा परिवार है, हिंदुस्तान हमारे लिए परिवार है। कोई सहमत हो सकता है, कोई असहमत हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बनता, बिल्कुल हमारा एक कर्तव्य नहीं बनता कि हम जो हमसे असहमति हम उनको जेल में डाल देंगे। बाप रे बाप, कहाँ से आ गए पंडित जी? गुजरात से हूँ। गुजरात में कहाँ से? दादरा नगर हवेली सीमांत। दादर नगर हवेली सीमांत से जी, कहिए क्या सर, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम राजेश राय है। राजेश राय जी, तो वहाँ दादर नगर हवेली में क्या काम चल रहा है आपका? बस चल रहा है, जी खा रहे हैं। और जी खा रहे हैं, पक्का जी खा रहे हैं। गुजरात में जो गया वही बसकर रह गया, वापस नहीं आया, तो अच्छा चल रहा है ये तो मुझे मालूम है। कितने साल हो गए गुजरात में? 25 साल हो गया। कह रहे चल रहा है 25 साल हो गए वहाँ गुजरात में रहते हुए। आ रहा हूँ, आगे आइए, बोलिए राय साहब क्या कहना है। मैं ये बोल रहा था सर, जो बोल रहे थे कि खरीद फरोख की जो चल रहा है सिस्टम, यदि अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गया ना तो एक खरीद सकते थे अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट। वो मैं इस चीज को बोल रहा हूँ कि क्या खरीद फरोख तो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में खरीदा जा सकता था, लेकिन उन्होंने कहा सरकार गिर जाने दो, सरकार जाने दो, हम खरीद फरोख नहीं काम करें। तो अटल जी का उदाहरण दे रहे, बोले एक वोट से सरकार गिर गई, खड़े रहो कि ना काम हम निपटा के आए हो, सारे चैनल में बात करें, खड़े रहो चुपचाप, यहाँ नंबर नहीं आएगा 10 साल तक। जी मैं अरविंद केजरीवाल जी का जवाब दे दूं। प्रॉब्लम क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे आंदोलन से निकले हुए वो द्वेता प्रेता और पता नहीं किस तरह के श्वेता हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ यही है कि जब एक्सेप्टेंस की बात आती है तो ये जैसे मेरी बहन ने कहा खोखो, ये लोटस ऑपरेशन चालू कर देते हैं। ये बोलते हैं लोटस ऑपरेशन चालू हो गया। अरे आपके पास लोटस ऑपरेशन चालू के एविडेंसेस हैं, आपने इतने साल निकाले, आपने जो लोगों का बहुमत लिया वो आपने दिखा दिखा के बहुमत लिया कि ये एविडेंस है, आप एविडेंस दिखाइए। शीश महल का एविडेंस हमने दे दिया, आपके मोहल्ला क्लिनिक, अरे आप सब जानते हैं कितने लोग मर गए, फेक फेक दवाइयां देने वाले ये लोग ये बात करते हैं। अरे मोहल्ला क्लिनिक बेड़ा गर्क कर दिया, पंजाब के अंदर इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। इन लोगों से पूछिए एक्साइज पॉलिसी लेकर आए, ये शराब देने वाले लोग दिए कहते हैं दवा, अरे इन्होंने दवा के साथ इन्होंने दारू भी दी। जोरू न जाता अल्लाह मियां से नाता, मध्य प्रदेश, अरे मध्य प्रदेश से आए, अरे बहुत दूर से आ गए, रीवा डिस्ट्रिक्ट से आए, रीवा डिस्ट्रिक्ट से। तो एक आधा टाइगर ले आते हैं वहां से, सफेद 4-5 टाइगर लाए। अच्छा अच्छा बोलिए, कहिए कैसे हैं सर? बढ़िया हो है? मैं SC ST OBC कर्मचारी संघ अध्यक्ष प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का मैं अध्यक्ष हूँ। SC ST OBC बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है। और अध्यक्ष प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में काफी पैमाने पे पद रिक्त हुए हैं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के, किंतु अभी तक भर्तियां नहीं की गई, जबकि मैं लगातार पत्राचार मैं शासन से प्रशासन के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन से गुजारिश है कि तुरंत SC ST वाली जो रिक्तियां हैं रीवा में, कौन सा कॉलेज है बताया? अरे आप सही बोले, कौन सा कॉलेज? अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय वहाँ तुरंत भरी जाए उनकी नियुक्तियाँ, बिल्कुल भरी जाए। हाँ जी, केजरीवाल जी पे, हाँ जी केजरीवाल जी, गवर्नेंस मॉडल में आपको बताता हूँ, 2013 में गवर्नमेंट स्कूलों में 16 लाख स्टूडेंट थे और 2023 में 15 लाख स्टूडेंट हैं, ये तो उनका शिक्षा मॉडल है। और सब हॉस्पिटलों में मतलब डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ इतनी कमी है, आप जाके देखिए।
आप ग्राउंड रियलिटी देखिए। अभी मेरी बहन कह रही थी अनुजा जी, आम आदमी क्लिनिक में अभी आप मेरे साथ कैमरा लेके चलिए, मैं आपको 20 आम आदमी क्लिनिक ऐसे दिखाऊंगा जिसमें मतलब शराबी शराब पी रहे हैं, स्मैक ही स्मैक पी रहे हैं और अवैध गतिविधियां हो रही हैं। मेरे भाई, अरे जिन्होंने बोला है, इन्होंने तो मॉडल बनाया है, इन्होंने तो मॉडल बनाया है, अरे टॉयलेट बनाया है इन्होंने, टॉयलेट जहाँ पर इन्होंने बोला कि हमने क्लासरूम बनाए हैं, इन्होंने 1214 करोड़ के इन्होंने टॉयलेट बनाया है। पूछो क्या हम लोग टॉयलेट में जाके बैठ के पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? अरे ये बात करते हैं यहाँ बैठ कर, जवाब लीजिएगा। बिल्कुल, ये ऑपरेशन लोटस की बात कर रही थी। अरे भाई साहब, ये इनका यही तो इनका तरीका है, जहाँ जहाँ पे ऑपरेशन लोटस इनका सफल हो जाता है वहाँ पे सरकार बना देते हैं, जहाँ ऑपरेशन लोटस फेल होता है पूरे हिंदुस्तान घूम कर आते हैं। दिल्ली में आकर के इनका मटिया मेल अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल इनको चुप रहे हैं। जहाँ तक इनकी बात है, इन किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है प्रतीक भाई, ये जनता जनार्दन है, जनता हमें सर्टिफिकेट देगी, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, ये पूरी दुनिया ने देखा है। जहाँ तक ये अभी 15 लाख 16 लाख आज का डेटा 18 लाख स्टूडेंट है ये सरकारी स्कूलों में, और हिंदुस्तान की सबसे अच्छी शिक्षा मॉडल है दिल्ली सरकार की शिक्षा मॉडल। मैं आया कांग्रेस का मौका देना चाहिए। मैं बाबूजी आ रहा, बैठो। अरे ना, अरे नहीं, कुछ बात नहीं, बैठ जा, 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 बैठ जा। जी जी, अभी उन्होंने अरविंद केजरीवाल का मॉडल, भाई देखो ये पहली बार आए हैं यहाँ पे शो में, लगना चाहिए कि भैया जी मैं दोबारा ही आए, ऐसा स्थिति पैदा कर दो कि दोबारा आएंगे ही नहीं फिर कांग्रेस वाले। हाँ आराम से स्वागत करो ना, ठीक आराम से बोले तो इनको। हाँ जी, अभी इन्होंने अरविंद केजरीवाल का मॉडल बताया भाई साहब ने वहाँ, अच्छा मॉडल है कि स्मैक ये मोहल्ला क्लिनिक में स्मैक पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये भी क्या आम आदमी पार्टी को रोकना है या दिल्ली पुलिस बीजेपी के पास है? सिर्फ दिल्ली पुलिस नोटिस भेजने के अलावा ये स्मैक बिक्री है अगर दिल्ली में तो वो काम भी आम आदमी रोकेगी, स्कूलों में अगर पी रहे हैं तो वो भी आम आदमी रोकेगी, बीजेपी क्या करेगी? अच्छा पॉइंट नोट कर दिया जी, ठीक है ठीक है, बिल्कुल 10 सेकंड का जवाब दीजिए लेकिन आराम से दीजिए जी, तबीयत ठीक नहीं मेरी आज। एविडेंस की बात कर रही थी बहन मेरी, छगन भुजबल जी वाला एविडेंस दिखाऊं? सीबीआई जाती है, हलफनामा देती है कोर्ट को, कहती है भैया अब ये बीजेपी में आ गए हैं, अब इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं हमारे, कहते हैं ये। अरे सीबीआई कहती है, ये थोड़ी लगाई कि सीबीआई कैसी बात कर रहे हैं, सीबीआई ये थोड़ी ना भाई, आप ये कहती है इनके पास एविडेंस नहीं है, सीबीआई कैसे कह सकती है बीजेपी में? अब आइए मालूम है आप प्रभात जी, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हिस्सा बनेगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा उसमें खड़ा हूंगा, बिल्कुल आपके साथ मैं बिल्कुल नहीं खड़ा हूंगा मैं आपके साथ। हाँ जी, दूसरी बात हिमंता विश्व शर्मा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये नहीं मेरी बात सुनिए, शो होता है रोज होता है, रोज तमाम सारे लोग अपनी बात कहते हैं, इसका मतलब थोड़ी नहीं है कि यहाँ पे जमने के जमाने कोई सम्मेलन चल रहा है क्या यहाँ पे, या कोई मुशायरा चल रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि जो हिमंता विश्व शर्मा जब हमारे साथ थे, बोलिए ना, ये रोज आरोप लगाते थे, ठीक है, यानी पीपी के चिक चिक के बोल, ठीक है।